नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज फिर हमारे साथ हैं आदरणीय बड़े भाई सरदार मनोज सिंह दूहन जी। सबसे पहले तो मनोज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी पिछले कुछ दिनों से जो पोस्टें देख रहे थे या जो चल रहा है माहौल चल रहा है, आप सबको पता है पॉलिटिकली माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री साहब भी बयान आ रहे हैं वन नेशन वन चुनाव। सबसे पहले तो ना इसी के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री साहब को ऐसी क्या जल्दी हो रही है, किस कारण या कोई डर है उनको जो वन नेशन वन चुनाव की बात कर रहा है, उसके ऊपर मनोज भाई आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वन नेशन वन जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये असल में देश का जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, और उसको खत्म करके ये जो है इंडिया में तानाशाही लाना चाह रहे हैं। तो ये केवल वन नेशन वन इलेक्शन का मामला नहीं है, बल्कि इनकी सोच जो है वो इनकी सोच परिलक्षित होती है, माने इनकी सोच एक्सपोज होती है, इनकी समझ हमें समझ में आती है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है, और इसी तरीके से इनको जल्दी है इलेक्शन करवाने की कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट्स के अलग इलेक्शन हो। तो स्टेट्स के अलग इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शंस के अलग डायनामिक्स होंगे, वो इलेक्शन अलग स्टेट के मुद्दों पे लड़े जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि सेंटर का और स्टेट का इलेक्शन अगर इकट्ठा हो गया तो केवल एक ही मुद्दा रहे उसमें, मोदी का मुद्दा, या जो मुद्दे ये दें। हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा बना दें, हो सकता है या कोई और सांप्रदायिक मुद्दा बना दें। तो वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं, वन एजेंडा या वन इशू भी ये इसके साथ साथ लाना चाह रहे हैं। तो साथियों के सवाल थे कि वन नेशन वन चुनाव जो है उसके ऊपर होना चाहिए, उसका आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो मनोज भाई से और बेटर तरीके से भी समझ लेना, बाद में आपको बता देंगे। अभी दो इलेक्शनों की जो घोषणा हुई है, एक तो पंजाब के अंदर हुई है पंचायती इलेक्शन की घोषणा, जो कि मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने की है। उसके अंदर हम भी सोचते हैं कि होना चाहिए, जैसे हम खालसा राज की बात करते हैं, भाई दुनिया का सबसे अच्छा राज था खालसा राज। उस खालसा राज की अगर आपको शुरुआत करनी है तो पंचायती सिस्टम से अगर शुरू हो तो बेटर रहेगा। हमने भी आपको बार बार बोला है, बाकी और अच्छे तरीके से मनोज भाई हमारे को बता सकते हैं। मनोज भाई, क्या शुरुआत हो सकती है पंचायती सिस्टम से खालसा राज की? देखिए, इलेक्शन तो जो पॉलिटिशियन है उसको हर एक लड़ना चाहिए, और डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं हमको छोड़ना जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ना हो। अच्छा, पंचायती जो राज का जो इलेक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पंचायत्स को और ज्यादा पावर देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया के अंदर जो सरपंच है, गांव का सरपंच, उसको कोई भी डिप्टी कमिश्नर उसको रद्द कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर सरपंच को रद्द कर सकता है, उसको उसकी पावर उससे छीन सकता है, जबकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। अदरवाइज तो डिप्टी कमिश्नर कि क्या औकात है कि भाई वो गांव के चुने हुए एक नुमाइंदे को हटा दे। तो अगर तो एक तो ये जो डिप्टी कमिश्नर की पावर है ये खत्म होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, कि सरपंचों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर का दबाव या डीएम का दबाव खत्म हो, और जो है सरपंचों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हरियाणा में तो ये हो गया है कि सरकार ने सरपंचों को जो विकास कार्यों को जो करने की जो ग्रांट थी उसको बहुत कम कर दिया है, और वो कर दिया है कि केवल कॉन्ट्रैक्टर ही जो है गांव के लेवल के ऊपर काम करवाएगा, सरपंच का उसमें हस्तक्षेप बहुत कम रहेगा। तो वो इसलिए है कि सरकार अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपनी लॉबी के कॉन्ट्रैक्टर्स को गांव-गांव तक कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है। तो इस वजह से अगर पंजाब के अंदर पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं तो उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले शख्सियत को अपने नुमाइंदे खड़े करने चाहिए, और जो है पंचायती राज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे एक्टिविटी देख रहे थे, अभी आपके पास भी समय नहीं था क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है, तो आपका जैसे अलग अलग इवेंट देखे हमने, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि हो सकता है मनोज भाई भी या अच्छी खुशखबरी हमारे को दे दें कि आप भी इलेक्शन लड़ रहे हो। इलेक्शन लड़ रहे हो तो द बेटर आपके लिए हरियाणा से रहेगा या पंजाब से, क्योंकि दो जगह पे आपकी एक अच्छी खासी मतलब के स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ आपके जानने वाले आपके चाहने वाले सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि मनोज भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं या राजनीति में आएंगे। अभी आपने इसका क्लियर भी किया है कि जरूरी है कि हमारे को आना चाहिए, साबत सूरत
सिखों को बिल्कुल आना चाहिए। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे हमारे मुद्दे आगे नहीं जा पाते, फिर हमारे पास एक रास्ता बचता, वो रोड पे बैठो आंदोलन करो। उससे बचने का तरीका है कि हम राजनीति में अपना हस्तक्षेप करें, अपनी पावर अपने हाथ में रखें। तो एक बार अगर आप क्लियर कर दो तो क्या राजनीति का आपका आगाज है ये? देखिए अभी 2023 चल रहा है जी, तो 1923 में मतलब आज से 100 साल पहले सर छोटूराम और मियां सर फजले हुसैन साहब ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी जी। तो हालांकि उस पार्टी के 100 साल तो हो चुके हैं और 47 में वो पार्टी खत्म हो गई थी। तो देखा जाए तो संयोग तो है कि भाई इस साल कम से कम दोबारा से यूनियनिस्ट पार्टी खड़ी हो यूनाइटेड पंजाब के अंदर, जो पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करे। लेकिन हरियाणा में कहावत है भाई, बाजे गेल पांव उठेगा, जैसा बाजा बाजेगा उसा ही आदमी का पांव उठेगा, बाजा ही नहीं बाजेगा तो फिर पांव के ऊपर उठेगा। और दूसरा ये है कि कहना बड़ा आसान होता है कि भाई पॉलिटिक्स में हम लोग हस्तक्षेप करें, लेकिन हमको अपने रिसोर्सेज देख के, हमारा कैडर देख के और जो सिचुएशन है, जो हालात हैं उनको देख के हमको काम करना होता है। बाकी वाहेगुरु जी की जो मर्जी, हम तो उन्हीं की मर्जी में चलेंगे। तो देखते हैं, लेट अस होप जो है। लेकिन मुझे आज मतलब कि मैं जो मेरी पर्सनल राय है उसमें मुझे ये लग नहीं रहा कि हम लोग अभी नजदीक फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आएंगे, क्योंकि अभी उतनी पावर नहीं बनी है, उतना कैडर तैयार नहीं हुआ है। और जो अच्छे लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स में हैं उनको हमारी सपोर्ट रहेगी। कई बार ना कई चीजें हो जाती हैं, दादा छोटू राम जी को भी नहीं पता था कि उनका इतना वो है कि उनकी एक आवाज के ऊपर पूरा संयुक्त पंजाब खड़ा हो जाएगा, या उनकी एक आवाज के ऊपर लोग प्रधानमंत्री उसी को बना देंगे जिसको दादा छोटू राम कहेंगे। हो सकता है आपको भी अभी ये लग रहा हो कि आपकी अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाई है या अभी तक आपकी इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जिस नजरिए से हम देख रहे हैं तो हमारी तो देखो खुद की दिली इच्छा है कि आपको आना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब तक अपना कोई नहीं आता है ना, तब तक हम किसी को ये भी कहने लायक नहीं भाई तूने ये काम नहीं किया, ये करना चाहिए था। तो हमारी दिली तमन्ना है, और वो तो सबको पता, अकाल पुरख जब अपनी कला दिखाते हैं तो उसमें ना आप मना कर पाओगे ना हम रोक पाएंगे, फिर तो आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन आपको पंजाब, और जो आपने बात की संयुक्त पंजाब की, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो अपना संयुक्त पंजाब वाला, सबसे अच्छी बात की, और हम भी चाहते हैं कि एक संयुक्त पंजाब के अंदर एक खालसा राज की स्थापना रखी जाए। वो खालसा राज तब आएगा जब साबत सूरत सिख आगे आएंगे, जो सच्चे सुच्चे सिख हैं। वैसे तो देखो दुनिया में राजनीति हर लोग करते हैं, और ये सभी के कहा होता, दादा छोटूराम भी कहा करते कि अगर आपको अपनी बातें मनवानी है तो आपको दिल्ली पे कब्जा करना पड़ेगा। वो दिल्ली पे कब्जा ये नहीं कि हम घेर के दिल्ली पे कब्जा करेंगे, वो राजनीतिक पॉलिटिकल इशू के जरिए। आज भी बहुत से नियम सिंह ये कहते हैं कि हमारे को लाइसेंस के, हथियारों के लाइसेंस के अधिकार दादा छोटूराम ने दिलवाए हैं, वो हमारे पास कॉपी भी भेजते हैं ट्रेन में भी जो किराया खरीद जी। तो हमारी तो इच्छा है, आप एक बार अगर कोई मैसेज देना चाहते हो कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो किस जरिए से आना चाहिए और किस तरीके से आना चाहिए, आपका एक मैसेज। देखिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो 2024 का इलेक्शन अभी होगा ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि अगर ये मोदी दोबारा तिबारा आ गया ना तो फिर ये देश के लिए बहुत घातक होगा, ये पूरे देश को बेच देंगे और सारा फेडरल स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत भी जितना अभी बचा हुआ है इंडिया में, ये सारा खत्म कर देंगे। तो प्रिंसिपल पॉलिटिकल चैलेंज अगर आज इंडिया के सामने है तो वो बीजेपी है, बीजेपी प्रिंसिपल पॉलिटिकल चैलेंज है इंडिया में। इसको रोकने के लिए सारे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए हमको ये नहीं देखना कि एक होना है नहीं होना, नहीं, एक होना हमारी मजबूरी है। तो पूरा विपक्ष एक हो जाए, एक सीट के ऊपर एक ही कैंडिडेट दे तो इस बीजेपी को हराया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से सारा विपक्ष जो है अपनी मैच्योरिटी दिखाए, डरे नहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएंगे, साइकोलॉजिकल डर ये पैदा करेंगे। तो निर्भउ, जो हमें गुरु महाराज जी ने सिखाया है, निर्भउ निर्वैर, तो डरना नहीं है, और बिना डरे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिसीजन ले। तो निश्चित तौर पर हम जो है इस बार बीजेपी को हराने में, और बीजेपी को हराने में ही नहीं, बीजेपी को खुदे लाइन लगाने में कामयाब होंगे। तो भाई ये थे अपने साथ सरदार मनोज सिंह धूमन भाई साहब। अभी आप समझ गए होंगे, कर रहे हैं मनोज भाई ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी से मिल रहे हो, उनको बता रहे हो कि भाई एक होना है, एक होना, सबसे बड़ा जो मैसेज है ना ये एक होने वाला, ये सबसे बड़ा मैसेज अगर आप इसको समझोगे तो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख देना, और जो सवाल होते हैं मनोज भाई से समय समय पर पूछते रहेंगे।
और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक कोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। इंट्रो सिर्फ उन्हीं का लेंगे जो सच बोलने की काबिलियत रखते होंगे, ये नहीं कि किसी का भी इंट्रो ले लिया, सच बोलने की काबिलियत होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, दो इजाजत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।